धनबाद प्रखंड कार्यालय में होने वाली 20 सूत्री कमेटी की बैठक शुरू होने से पहले ही हंगामे के भेद चढ़ गई। बैठक के लिए कुर्सी नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए धनबाद प्रखंड 20 सूत्री अध्यक्ष मनोज कुमार बैठक से बाहर निकलकर धरने पर बैठ गए। 20 सूत्री अध्यक्ष के बाहर निकलते ही उनके कई और समर्थक भी धरने पर बैठे। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने अध्यक्ष को मनाने की भरसक कोशिश की, पर वे नहीं माने। प्रखंड विकास पदाधिकारी उदय रजक ने बताया कि 20 सूत्री की बैठक को लेकर अध्यक्ष उपाध्यक्ष समेत सभी सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई थी। अध्यक्ष के लिए भी कुर्सी रखी गई थी। इसके बाद भी 20 सूत्री अध्यक्ष का बैठक से उठकर बाहर धरने पर बैठने की वजह समझ से पड़े है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष समेत सभी सदस्य माननीय हैं। अध्यक्ष महोदय को भी कुर्सी दिया गया है, किन किस परिस्थिति में वो यहाँ पे बैठ के? उन्होंने कहा यहाँ बैठने की जगह नहीं है। आपको 20 सूत्री के अध्यक्ष है, जब वही नहीं है तो इस मीटिंग का क्या मतलब? नहीं, सारे लोगों को बैठने की व्यवस्था यहाँ पे की गई, आप देख सकते हैं। यहाँ पे जिला परिषद सदस्य महोदय भी बैठे हुए हैं, उपप्रमुख महोदय भी बैठे हुए हैं, वरीय पदाधिकारी भी बैठे हैं, उनको भी दिया गया है बैठने के लिए कुर्सी। परंतु ये इस तरह के ये अपनी भावनाओं को जो व्यक्त किए हैं वो किस परिस्थिति में किए हैं ये मुझे जानकारी नहीं है। मैंने बैठने के लिए आया, कहीं ना कहीं तो उनको ठेस लगी है कि मुझे भीड़ में बैठने का इंतजाम नहीं मिला है। आप देख सकते हैं, खुद देख सकते हैं, सारे लोगों को बैठने के लिए व्यवस्था की गई है और उनका भी बैठने की व्यवस्था की गई। अब ये क्यों यहाँ पे इस तरह से किया है ये मैं ये जानने का प्रयास करूंगा। और माननीय के जो भी ठेस लगा है मैं प्रयास करूंगा कि वो बता रहे हैं कि जैसे पीडी साहब आए हैं तो फील्ड में जाते भी नहीं है, मिलते भी नहीं, जो भी उनका आरोप है। नहीं नहीं, देखिए फील्ड में मैं जाता हूँ, और चूंकि विधि व्यवस्था का भी संधारण है, धनबाद वीडियो प्रूफ में किया जाता रहता है, तो विधि व्यवस्था का संधारण करते हुए मैं फील्ड में भी जाता हूँ। इधर नाराज 20 सूत्री अध्यक्ष मनोज कुमार का आरोप है कि 20 सूत्री अध्यक्ष कमेटी में सर्वोच्च स्थान पर होता है और एक अध्यक्ष को बैठने के लिए पीछे की पंक्ति में जगह दी जाती है। प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा 20 सूत्री अध्यक्ष की बेइज्जती निंदनीय है, उनका रवैया सही नहीं है। वे कभी भी पंचायत में तथा गाँव में जाकर सरकार की योजनाओं की सूद नहीं लेते हैं। कार्यालय में बैठना और फिर घर चले जाना उनकी दिनचर्या है। प्रखंड विकास पदाधिकारी के इस माननीय की शिकायत स्थानीय उपायुक्त से लेकर 20 सूत्री अध्यक्ष समेत सूबे के मुख्यमंत्री से की जाएगी। हंगामा हो रहा है कि जल शक्ति अभियान से उच्च बैठक था, उसमें हम लोग चिट्ठी के माध्यम से उसको दिया गया कि चिट्ठी अध्यक्ष सभी सदस्य का आमंत्रण किया गया था। जब यहाँ आए यहाँ सभी लोग अपनी कुर्सी में बैठे हुए थे, तो हमने सोचा हमारा बैठने का जगह से बोले पीछे बैठ जाइए, तो हम वहाँ से उठ के और हम अपने कार्यालय में बैठ गए। जब ये सरकार की योजना है और सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया पोस्ट है, हमारा अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता प्रखंड के पास, और इस तरह का बेइज्जत करना कहीं ना कहीं सरकार की छवि को धूमिल करना है। और धनबाद प्रखंड के वीडियो साहब जब से आए हैं लगातार इनका रुतवा व्यवहार सही नहीं है। ये सिर्फ कार्यालय में बैठते हैं और घर चल जाते हैं, ना आज तक कभी कोई पंचायत में गए हैं, ना कभी गांव का दौरा किए हैं।